तो आज हम करेंगे नाइन्थ साइंस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल एंड PO4-3- आयन। ठीक है, तो हमें एक H2S मॉलिक्यूल दिया गया है और हमने बताना है कि इसमें कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं H2S को। अब देखो इस H2 में हाइड्रोजन दो है, यहां पर जब H2 लिखा हुआ है तो यहां पर हाइड्रोजन दो है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहां पर दो हैं। एंड सल्फर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सल्फर का एक एटम है, तो +1 कर लो, है ना। तो दो तो हाइड्रोजन के एटम है, सल्फर का एक एटम है, है ना। दोनों को मिला करके कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गया हमारे पास में H2S में, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में 3 एटम्स होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक सल्फर का एटम होता है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो बस ध्यान देना है कि यहां पर ये नंबर कितने कितने हैं। जैसे यहां पर कितना है, 2 नंबर है, यहां पर 1 नंबर है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है एंड सल्फर का कुछ भी नहीं लिखा था, तो 1 एटम तो है ही। तो 2+1 हमने यहां पर कर लिया कि यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड में 3 एटम्स है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमारे पास में है फॉस्फेट का एक आयन दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो PO4-3- आयन हमको दिया है, फॉस्फेट आयन दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, और 3- आयन का मतलब ये एक एनायन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं। 3- का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये चार्ज है तो इस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये चार्ज है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, ये नंबर ऑफ एटम्स में इसको हम काउंट नहीं करते, ये चार्ज है। बस आपने ध्यान देना है कि फॉस्फोरस कितना है, फॉस्फोरस के आगे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, तो यहां पर 1 हो गए होगा, तो फॉस्फोरस का 1 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो +4 कर लो, है ना। फॉस्फोरस का 1 एटम है, 1 लिख लिया, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, 4 लिख लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो इतने एटम्स हो जाएंगे फॉस्फेट आयन में, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 5 एटम्स हो जाएंगे फॉस्फेट आयन्स में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।